हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत, कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको सुना रहा था सत्यव्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार। ये है उसका 7वां भाग। बटुक शर्मा के पिताजी भरतपुर से दिल्ली आए थे पंडिताई करते हुए उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि देश बदल रहा है। अब इसे पंडितों की नहीं नौकरों की जरूरत है, अब इसे शास्त्रों की नहीं सेवकों की जरूरत है। सो बटुक शर्मा पंडिताई की जगह पढ़ाई के काम पर लगाए गए। पढ़ाई बटुक शर्मा के पल्ले नहीं पड़ी, पर ये जरूर हुआ कि बाप के डर से बटुक शर्मा 10वीं खींच ले गए। पिताजी ने स्पोर्ट्स कोटा पर 4थे स्तर की नौकरी का जुगाड़ किया। इंटरव्यू में बटुक शर्मा से 2 ही सवाल हुए, कौन सा खेल खेलते हो? बटुक शर्मा ने कोई खेल खेला हो तब तो बताएं। घबराहट में बटुक शर्मा मुंह की गोलाइयां बना ही रहे थे कि सवाल करने वाले ने मुंह की गोलाइयों से अंदाज लगाते हुए खुद ही जवाब दे दिया, फुटबॉल। बटुक शर्मा को जैसे 72 हूरे एक मुश्त मिल गई हो। उन्होंने फौरन ही कहा, जी सर फुटबॉल। दूसरा मेंबर थोड़ा खड़ूस था, उसने पहले मेंबर और बटुक शर्मा के बीच के शर्मा कनेक्शन को शायद भाप लिया था, इसलिए उसने थोड़ा मुश्किल सवाल किया, किस पोजीशन से खेलते हो? बटुक शर्मा का दिल काम करना बंद कर देता, इससे पहले ही उनका दिमाग काम कर गया। अब की बात उन्होंने झट से कहा, सर गोलकीपर हूँ। इंटरव्यूअर पोजीशन का हिसाब लगाते रह गया। बटुक शर्मा ने मैच जीत लिया था। इस प्रकार बटुक शर्मा एक स्वावित पोषित कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हो गए। पिताजी को दान की मिली 50 गज जमीन पर उन्होंने लोन से मकान भी बनवाया और अब दिल्ली के होकर रह गए। बटुक शर्मा पक्के कांग्रेसी, पिछले 3 चुनावों से वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। कहते हैं अगली बार वोट तभी देंगे जब प्रियंका कमान संभालेगी। बटुक शर्मा पहले केवल परिवार वालों को ही कमरा किराए पर देते थे, मगर एक दफा एक बंगाली परिवार को कमरा किराए पर क्या दिया, पूरे मकान को पानी की किल्लत आने लगी। किराएदार की पत्नी खूब कपड़े धोती थी और छत पर फैला देती थी। बटुक शर्मा ने जब मना किया तो जवाब मिला, आमी बाड़ीर भाड़ा दीची तो। बटुक शर्मा जवाब सुनकर सन रह गए, घर आए और सो गए। अगली सुबह उठे और माता रानी की पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने छत पर पहुंचे। किराएदार ने ढाकाई तात की साड़ी फैला रखी थी, बेशकीमती। बटुक शर्मा ने दोनों हाथों से अगरबत्ती पकड़ी और अधर्म का नाश हो धर्म की विजय हो के उच्चार के साथ ही अगरबत्ती से साड़ी पर लगातार कई फायर किए। साड़ी चलनी हो गई। किराएदारनी ने बाड़ी और साड़ी दोनों छोड़ दी। उसके बाद से बटुक शर्मा ने कान पकड़ लिया और अब सिर्फ स्टूडेंट्स को ही किराए पर कमरा देते हैं। बाकी कद खाटी और बात विचार के हिसाब से बटुक शर्मा दिल्ली के अन्य मकान मालिकों की तरह ही है, बस दाहिने कान से थोड़ा ऊंचा सुनते थे। नहीं नहीं, जन्म से नहीं, वो तो हुआ यूं कि किसी गर्म दोपहर में क्रिकेट देखते हुए बटुक शर्मा दिया सलाई की तीली से कान को आराम दे रहे थे। कान की खुजली ने जब ताल पकड़ ली तो बटुक शर्मा तीली पर बेरहम हो गए और तेजी से कान कुरेदने लगे। बचपन से ही कबाड़ियों के साथ खेले गए खेल में उनके कान में अटका लोहे का बुरादा उन्हें तंग करता आया था, जिसने उनके कान में अपना स्थायी निवास बना लिया था। बटुक शर्मा बचपन की यह बात भूलकर कान को बेरहमी से रगड़े जा रहे थे। इस बेरहमी पर तिल्ली और बुरादे दोनों को गुस्सा आ गया। गर्मियों के दिन थे ही, तिल्ली कान के भीतर बुरादे से रगड़ खाकर भक से जल गई। बटुक शर्मा कान लिए बाथरूम की तरफ भागे और जब निकले तो शर्म और बेइज्जती के डर से पत्नी तक को नहीं बता पाए, क्योंकि बकौल बटुक शर्मा उनकी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। हंसते हुए उन्हें अपने इस दुख और दर्द को पी जाना पड़ा। लेकिन बटुक शर्मा आज दुखी थे, वास्तव में वो पिछले 3 दिनों से दुखी थे, और ये पकड़ पाना कोई कैलकुलस का सवाल नहीं था, ये उनके उखड़े हुए चेहरे पर छपा था। सीढ़ियां चढ़ते उतरते जब मैंने ये 2-3 दफा नोटिस किया तो उनका हाल पूछ लिया। जवाब बस ये मिला कि तबीयत ढीली है। बात इससे कुछ ज्यादा गंभीर थी, लेकिन इसका जवाब मुझे ना उनसे मिलना था ना मिला। जवाब तो मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं छत पर पहुंचा तो देखा कि परिधि छत पर से पानी की टंकी का वाल्व बंद कर अब नीचे जा रही है और राहुल
कमरे में औरा लेटा हिल रहा है। मुझे थोड़ा डर लगा, मैं फौरन ही उसे देखने कमरे में घुसा तो देखा कि दरअसल वह हिल नहीं हंस रहा था और इस बात का ध्यान रखे हुए था कि हंसी की आवाज बाहर टंकी का वॉल्व बंद करती परिधि के कानों तक ना पहुंचे। क्या हुआ बे, जान बहुत नाराज नजर आ रही है आज, मैंने कमरे में घुसते ही पूछा। जान के पप्पा की बिग टाइम लंका लगी है, राहुल ने कपड़ा मुंह में ठूस कर हंसी रोकते हुए कहा। अबे हंस लो खुल के, हंसी पर स्टेट टैक्स नहीं है अभी, मैंने राहुल को जबरदस्ती हंसी रोकते हुए देख कर कहा। नहीं जाड़ी, हंस के ही तो फंस गए यार, राहुल ने कहा। हुआ क्या, मैंने पूछा। होना क्या है, बटुक के कॉलेज का एनुअल ऑडिट चल रहा था, दो ऑडिटर आए थे, उसमें से एक ऑडिटर जर्दा खोर था। उसने बटुक के बॉस से रजनीगंधा और तुलसी मंगवाई। बटुक आगे बढ़ के बोला कि सर हम लेकर आते हैं, राहुल ने हंसी रोकते हुए कहा। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या, दो घंटे तक ऑडिटर पान मसाला जैसा मुंह बनाए रहा। दो घंटे बाद बटुक हाफते ढाफते मुर्दा पर चढ़ाने वाला रजनीगंधा का फूल लेकर आया और कहा कि सर बहुत ढूंढे लेकिन तुलसी पत्ता नहीं मिला, वैसे मुर्दा है कहाँ। राहुल की देर से दबी हुई हंसी फिर फूट गई। बेसाला सच बोल, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान कसम भाई, राहुल ने कसम खाने के अंदाज में गला छूते हुए कहा, तुमको ससुर लेकिन सबका सब नमूना मिलता है पंडित। मैंने भी अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, और हंस दिए तो ससुर की बेटी नाराज होके चली गई, बताओ तो, राहुल ने कहा। बटुक शर्मा के बारे में धीमी आवाज में बातें हो ही रही थी कि बटुक शर्मा की आवाज सुनाई दी। क्या कर रहे हैं बेटे जी, बटुक शर्मा की खराश भरी आवाज आई। वो पिछले साल भर में आज पहली बार हमारे कमरे तक आए थे। मुझे अब लग रहा था कि समस्या काफी गंभीर है। कुछ नहीं अंकल, आइए ना, मैंने कहा। हालांकि वो तब तक कमरे में आधा घुस आए थे। राहुल उन्हें देखते ही थोड़ा और सिमट कर बैठ गया। मैं आई शिट हेयर, बटुक शर्मा ने कमरे में रखी इकलौती कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिट, राहुल उनकी अंग्रेजी सुनकर दो कदम पीछे खिसक गया। हालांकि उसे भी पता था कि बटुक शर्मा अंग्रेजी का नुकसान करते रहते हैं, लेकिन वो इस तरह अंग्रेजी पर डकैती डाल देंगे इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। हाँ अंकल बैठिए ना, मैंने हंसी दबाते हुए कहा। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, बटुक शर्मा ने बात की शुरुआत की। जी बेहतर, एक साल और फिर आपको तकलीफ नहीं देंगे, मैंने कहा। लो कर लो बात बिट्टे, हमने कभी आपसे कहा कि हमें आपके रहने से कोई पेन है, आपका घर है, जब तक चाहे रहो, स्टे फ्री। बटुक शर्मा ने अपने हाथों से अपनी जांघों पर थपकिया देते हुए कहा। राहुल को अंग्रेजी पर फिर हंसी आ गई। जी अंकल, आपकी दफा, राहुल ने कहा। बटुक शर्मा को इधर उधर की बातें करते देख मैंने ही काम की बात छेड़ दी। अंकल पिछले दो तीन दिनों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी समस्या है क्या? बटुक शर्मा दरअसल इसीलिए ऊपर आए थे, वो अपने मन की बात किसी से कहना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त आदमी मिल नहीं रहा था। मेरे पूछते ही वो फूट पड़े और कहने लगे। हाँ बेटे बड़ी तो है, इसीलिए तो कोई तगड़ा लिंक खोज रहा हूँ। लिंक, राहुल फिर सकते में आ गया। उसे सकते में आया देख बटुक शर्मा ने समझाया। लिंग, लिंग मतलब जुगाड़, समझे? बटुक शर्मा ने जो अर्थ समझाया वो अनर्थ ज्यादा था। जुगाड़, राहुल अब की कुर्सी से गिरने से बचा। राहुल अंकल लिंक की बात कर रहे हैं, मैंने बात का मतलब समझते हुए राहुल को समझाया। हाँ वही तो, मुझे पहले दिन से समझदार लगा, जे तो अपने बाप का पैसा गला रहा है, बटुक शर्मा ने राहुल के बारे में कहा। और अब तो ससुर का भी, मैंने धीरे से कहा। कुछ कहा बेटे, बटुक शर्मा ने मेरी फुसफुसाहट सुनते हुए कहा। नहीं अंकल, बाकी आप कुछ कह रहे थे, मैंने बात बदल दी। हाँ बेटे, मैं बता रहा था कि मेरे साहब ने मुझसे खुन्नस खा रखी है और इसलिए उसने मुझे सस्पेंड भी कर रखा है। अब रिटायर होने में 3-4 साल बाकी हैं, ऐसे समय में कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जावे तो फिर बुढ़ापे में दिक्कत, फिर पीएफ वगैरह का पैसे भी फंस जाएंगे। बटुक शर्मा ने परेशानी में सिर मलते हुए कहा। ओहो, लेकिन अंकल हुआ क्या था, मैंने पूछा। साहबों का मिजाज का कोई ठिकाना नहीं बिट्टे, कब क्या करने को कह दे, पहले बहुत किया है,
पर अब इस उम्र में इतना नहीं होता। पटुक शर्मा ने पहली नुमा बात की। मतलब एक तो मेरे पास वैसे ही टेबल भर के काम पड़े हैं, ऊपर से साहब ने ब्लो जॉब्स की लिस्ट पकड़ा दी। ब्लो जॉब? राहुल सुनते ही कुर्सी से गिर पड़ा। मैं उसे संभालने के बहाने उठा और उसकी आड़ में ही अपनी हंसी छुपाई। मैं समझ गया था कि बटुक शर्मा ने फिर किसी शब्द का मान मर्दन कर दिया है। आ बेटे, तुझे क्या लगता है तनख्वाह ऐसे ही उठाते हैं हम? पर अब नहीं होता बेटे, अब थक जाता हूँ, अब ये सारे काम नए लोगों को देने चाहिए, बटुक शर्मा ने हमसे हामी की उम्मीद करते हुए कहा। हाँ अंकल, बिल्कुल सही बात। फिर आपने क्या कहा? मैंने पूछा। राहुल अपनी हंसी छुपाने के लिए पानी की बोतल मुंह में लगाए बैठा था। कहना क्या था, मना कर दिया। उन्होंने लिखित में ब्लो जॉब करने को कहा था, हमने लिखकर मना कर दिया, इसीलिए तो सस्पेंड कर दिया साहब ने, पटुक शर्मा ने बेचारगी से कहा। ब्लो जॉब लिखित में? राहुल ने फिर आंख चौड़ी की। हाँ और के, मैं कोई झूठ कह रहा हूँ? और तू इतना चुप क्यों रहा है? काम लिखित में नहीं देंगे तो कोई करेगा भला, बटुक शर्मा ने कहा। अंकल, क्या वो कागज आपके पास है? मैंने पूछा। हाँ बेटे, ये देख, छाया प्रति जा चक करवा रखी मैंने, तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहकर बटुक शर्मा ने चार भागों में मुड़े एक कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। ऐ सुन, लिखा है, काइंड अटेंशन मिस्टर शर्मा, इन एडिशन टू योर असाइंड वर्क यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू डू ब्लो जॉब्स आल्सो। बटुक शर्मा के इतना पढ़ते ही मेरा माथा ठनका। मैंने बटुक शर्मा को बीच में ही टोकते हुए कहा, अंकल जरा मुझे ये कागज दिखाएं। हाँ हाँ ले, देख ले, जो एक भी लाइन गलत कही हो तो, बटुक शर्मा ने कागज पढ़ाते हुए कहा। कागज हाथ में लेते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। बटुक शर्मा पूरे अर्थ का अनर्थ कर चुके थे। मैंने अपनी हंसी दरकिनार करते हुए कहा, अंकल ये ब्लो जॉब्स नहीं, बिलो जॉब्स हैं। मेरा इतना कहते कहते ही राहुल के मुंह से फचाक की आवाज के साथ पानी बाहर आ गया। वह खांसी का अभिनय करता जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया। बटुक शर्मा ने उसे देखते हुए मुझसे कहा, हाँ हाँ वही, मगर अब बता, इस उम्र में इतना प्रेशर देते हैं क्या? हमने ना कर दी तो कहते हैं कुछ दिन घर पर बैठो, इतना साल मेहनत से काम करने का यह बदला मिला। हाँ अंकल, गलत तो किया है उन्होंने, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वही कहा जो बटुक शर्मा सुनना चाहते थे। कोई नहीं बेटे, पर तुझसे बात कर जी हल्का हो गया, ये बात किसी से कहियो नहीं, तू जानता है ना मोहल्ले में बहुत इज्जत है तेरे अंकल की। कहते हुए बटुक शर्मा राहुल को घूरते हुए नीचे उतर गए। बटुक शर्मा निलंबित थे और इसी कारण राहुल मिश्रा की प्रेम कहानी लंबित थी। तकदीर का रोना ये था कि बटुक शर्मा सर्दियों में सस्पेंड हुए थे और सुबह सुबह छत पर धूप लेने चले आते थे। दिन में सरपट गुजरती मेट्रो के डिब्बे गिनते थे और रात में नियॉन लाइट की रोशनी में बदलती दिल्ली को कोसते हुए पुरानी दिल्ली को अच्छा बताते थे। दिन में जो वक्त परिधि के छत पर आने का होता था, उसी वक्त बटुक शर्मा प्लास्टिक की कुर्सी और अपने सस्पेंशन की मातम पूसी लिए छत पर पहुंच जाते थे। मेरी CDS की परीक्षा अगले हफ्ते थी, इसलिए मैंने कॉलेज एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया था। अब क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा रहा था तो राहुल के कॉलेज जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वो मुझे जनरल अवेयरनेस के सवालों में मदद कर रहा था और ये काम हम अक्सर छत पर टहलते हुए ही करते थे। उस दिन भी राहुल मुझसे कुछ सवाल पूछ ही रहा था कि बटुक शर्मा ने अपना ज्ञान बिखेरा। तेल लगाना के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जी? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। अरे यही तो लेटेस्ट है आजकल, इसके बारे में बता, बटुक शर्मा ने कहा। जी लगाना चाहिए, तेल लगाना ही चाहिए और आजकल की सर्दियों में तो जरूरी भी है, राहुल ने बटुक शर्मा की बात को महत्व न देते हुए कह दिया। राहुल, अंकल तेलंगाना के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने धीमे से ही मुस्कुराते हुए कहा। तू पढ़ जा बेटे, जे इसके चक्कर में पड़ा तो बर्बाद हो जावेगा, यहाँ देश की रेल लगी है और जे है कि तेल लगा रहा है, बटुक शर्मा ने अखबार खोलते हुए मुझसे कहा। ये बात सुनते ही राहुल हत्ते से उखड़ गया। राहुल और बटुक शर्मा के बीच ऐसी बातें रोजमर्रा की, राहुल ने भी कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज वो खींच उठा। वह कमरे में गया और वहीं से
मुझे आवाज दी, झाड़ी जरा भीतर आ। जैसे ही मैं भीतर पहुंचा, राहुल ने गुस्से से कहा, तुम साले दुभाषिया लगे हो बुढ़ौती के। अबे हमको लगा कि तुम समझ नहीं पाए और कहीं और तेल ना लगा दो, इसलिए ट्रांसलेट कर दिए। अब इसमें भी कुछ गलत है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, ट्रांसलेट करते हो कि ह्यूमिलेट करते हो साले? तेलंगाना को कोई तेल लगाना कहता है क्या? ऊपर से तुम ट्रांसलेट कर रहे हो। तेल लगाना कहते कहते राहुल को भी हंसी आ गई। चलो चलो बाहर चलो, नहीं तो बूढ़ा समझेगा कि उसी के बारे में खुसर फुसर हो रही है। मैंने कहा, समझ के मेरा निकिया लेगा, एक तो साला जब से सस्पेंड हुआ है तब से ग्रह किए हुए है। राहुल ने तैश में कहा, बूढ़ा रेंट के लिए टोक भी देगा, आज 5 तारीख हो गई। मैंने याद करते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे आज, और टोकेगा तो बूढ़े को फेंक देंगे छत से नीचे, तरबूज बन जाएगा साला। राहुल सचमुच बहुत गुस्से में था। एक काम कर, अब की बार पैसे लेने छोटू को भेज दे। मैंने कहा, हाँ ठीक रहेगा, एक बार देख लेगा तो हमारा टंटा खत्म। राहुल ने कहा और किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ छोटू पहले ही तेजी से मटर के दाने छील रहा था। क्या बात है, बड़ी तेजी लगा रखी है तूने, राहुल ने किचन से चीनी के डब्बे में से चीनी खाते हुए कहा। हाँ भैया जी, आज इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, छोटू ने तेजी से मटर छीलते हुए कहा। देखनी है मैच? राहुल ने पूछा। हाँ भैया जी, छोटू ने कहा। अच्छा एक काम करियो, घर चला जा। रास्ते में पालिका बाजार में शिव इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास मेरा एक कागज आया होगा, वो ले ले और कल लेते आइयो, राहुल ने फिर चीनी फाँकते हुए कहा। मतलब आज छुट्टी? छोटू ने खुशी से कहा। हाँ छुट्टी, राहुल ने फिर चीनी निकालते हुए कहा। और खाना भैया जी? छोटू ने मटर छीलते हुए कहा। और मैगी बना लेंगे, राहुल ने कहा। ठीक है भैया जी, कहते हुए छोटू ने हाथ धोए और इससे पहले कि राहुल का विचार बदल जाए वो निकल गया। उसके जाते ही राहुल ने किचन से बाहर निकल कर कहा, चलो एक काम तो हुआ, सुनो जाड़ी, अब तुम भी आगे की पढ़ाई बटुक के साथ करो और हम क्रिकेट के बहाने नीचे जाएंगे, बहुत दिन हुआ देखे हुए। राहुल ने कहा, क्या क्रिकेट? मैंने पूछा। नहीं बे, क्रिकेट कौन देखेगा, हमको तो केट विंसलेट देखनी है अपनी, देखो अभी कैसे बढ़ोतरी को कत्था लगाते हैं, राहुल ने आँख मारते हुए कहा और हम दोनों बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही राहुल ने बटुक शर्मा से कहा, अंकल मैं दूध लेने जा रहा हूँ, आपके लिए भी कुछ लाऊं क्या? नीचे पुस्ता चाहिए, जब कुछ जरूरत हो तो। वैसे भीमपाल से दूध लिया कर, जब पैकेट के दूध से जवानी खराब हो जाएगी, बटुक शर्मा ने हंसते हुए कहा। मुझे राहुल के दिमाग की दाद देनी पड़ी, उसने पहले ही ये सोच लिया था कि बटुक शर्मा ऐसे ही कुछ बात कहेंगे और वही हुआ। लेकिन पहले से सोची सारी बातें हो ही जाती तो इंसान भगवान ना हो जाता। प्यार की सबसे खूबसूरत बात उसके साथ आने वाली परेशानियां हैं, अड़ंगे हैं, मुश्किलें मुसीबतें हैं, सब परेशानियां कमोबेश एक होते हुए भी प्रेम कहानियों में अलग अलग आती हैं और यही किसी भी कहानी को अलहदा अनुभव देती हैं। जितनी जल्दी राहुल को परिधि से मिलने की थी उतनी ही व्यग्रता परिधि को भी रही होगी, इसलिए उसने अपनी तरफ से ये सोचा कि वो पापा को क्रिकेट के बहाने नीचे बुला लेगी, इसी बहाने खुद उसे छत पर जाने का थोड़ा समय तो मिल जाएगा। यही सोचकर उसने नीचे से ही छत की जानिब आवाज दी, पापा क्रिकेट आने को है, इंडिया टॉस जीत गई। बटुक शर्मा ने जैसे ही ये सुना वो उछल पड़े, उन्होंने खड़े होते हुए कहा, बेटे आज तो इंडिया पाकिस्तान मैच है, मैं तो भूल ही गया था, चला चल साथ में देखते हैं। नहीं अंकल, मुझे पढ़ना है, आप देख लीजिए, मैंने जान छुड़ानी चाहिए। अरे 2-3 घंटे की तो बात है, आजकल ये 20 ओवर वाले मैच बड़े अच्छे हो गए हैं, तू भी चल, सवेरे से पढ़ते पढ़ते थक गया होगा। बटुक शर्मा ने कहा, सच कहते हैं बेकार आदमी के पास सबसे अधिक काम होता है, मैं उनके साथ चलने और राहुल की बदकिस्मती पर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। राहुल जब दूध लेकर बटुक शर्मा के घर में बेधड़क घुसा तो मुझे फिर हंसी आ गई। एक हाथ में पॉली बैग और दूसरे हाथ में चिप्स लिए घुसते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। हमें चाय देने आई परिधि ने भी चेहरे के भावों से ही अपना सिर पीट लिया। राहुल अभी दोनों हाथों में सामान लिए खड़ा ही था कि बटुक शर्मा ने आवाज दी, अरे आजा आजा तू भी बैठ, नाक के तो आया है ना। सॉरी, राहुल ने अचरज से कहा ही था कि परिधि बीच में बोल पड़ी, पापा प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस सुपरस्टिशन। परिधि ने बीच में ही कहा, ये पापा का टोटका है, उनके हिसाब से बिना नहाए क्रिकेट देखने पर इंडिया हार जाती है,
परिधि ने बटुक शर्मा की गलती ढकने की कोशिश की। अंकल डोंट वरी, मैं नहा कर आया हूँ और ये तो एडवांस में कल से ही नहाकर बैठा है, राहुल ने छिछला मजाक किया, जिस पर बटुक शर्मा को तो क्या मुझे भी हंसी नहीं आई। राहुल ये कहकर खाली पड़ी उस कुर्सी पर बैठने लगा जहाँ से किचन में काम करती परिधि साफ दिखती। वहाँ नहीं, वहाँ 15 ओवर के बाद बैठना, अभी उस जगह बैठ, कहकर बटुक शर्मा ने राहुल को सोफा पर ठीक मेरे बगल में बैठने को कहा। उधर परिधि इशारों में ही अपने पिता के हरकतों से अजीज हो रही थी। बटुक शर्मा को न कोई फर्क पड़ना था न पड़ा, उनका बोलना जारी रहा। पाकिस्तान से कुछ सिंपैथी वगैरह तो नहीं है? बटुक शर्मा ने फिर गोली दागी। नहीं अंकल, कुछ खास नहीं, राहुल ने कहा। वैसे ये सिंपैथी रखने लायक है भी नहीं, जियाउल हक ने जितना बेड़ा गर्क किया उतना किसी और ने नहीं किया, बटुक शर्मा ने सोफा पर पसरते हुए कहा। लेकिन अंकल मुझे लगता है इंजमामुल हक ज्यादा बेहतर प्लेयर था, उसने ज्यादा बेड़ा गर्क किया, राहुल ने ज्ञान बघारा। जियाउल हक पाकिस्तान का रेजिडेंट अच्छोर है, बटुक शर्मा ने एक हास्यपद दृष्टि राहुल पर डालते हुए कहा। राहुल थोड़ा झेप गया, उसने मेरी ओर मुंह किया और धीरे से कहा, झाड़ी इंजमामुल हक अफगानिस्तान से गिरा था क्या? वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। बटुक रेजिडेंट की नहीं प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरे कहते ही राहुल हंसी और बेचारगी के बीच झूलता रहा। थोड़ी देर बाद सहमत होकर बोला, ये ससुर नहीं असुर है झाड़ी, चुपचाप क्रिकेट देखो। मैंने भी दबी जुबान से हंसी रोकते हुए जवाब दिया। परिधि को क्रिकेट में रुचि नहीं थी, उसे राहुल में रुचि थी और वो राहुल की रुचि जानती थी। कॉफी और कुकीज वो उसी की तैयारियों में लगी थी। हम दोनों चुपचाप बैठकर क्रिकेट देख रहे थे। ओपनर्स क्रीज पर आ चुके थे और आते ही पाकिस्तानी ओपनर ने एक अजीब शॉट खेला जिसे देखते ही मेरे मुंह से निकला, इनोवेटिव शॉट। बटुक शर्मा भी कहां मानने वाले थे, क्रिकेट के पुराने मरीज थे, उन्होंने झट से कहा, इनोवेशन तो गुंडप्पा विश्वनाथ ने किया था, गुंडप्पा विश्वनाथ का नाम भी सुना है? उन्होंने गर्दन घुमाकर राहुल की ओर देखते हुए पूछा। जी अंकल, साइंटिस्ट थे। राहुल अब की बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। मेरे सिर पकड़ने से पहले ही बटुक शर्मा ने सिर पकड़ लिया। बेटे गुंडप्पा विश्वनाथ और मोश गुंडम विश्वेश्वरिया में अंतर है, पढ़ाई लिखाई भी सिलेबस में शामिल कर ले, तुझे तो कॉलेज जाते भी नहीं देखता, बटुक शर्मा ने कहा। वो क्या है ना कल, मुझे घर पे ही इतना काम है कि मेरा टाइम तो होमवर्क करने में ही निकल जाता है, राहुल ने कॉफी रखने आई परिधि को देखते हुए कहा। परिधि ने राहुल को आंखों से ही झिड़की दी। उसकी बिलौरी आंखों के बढ़ते पारे को देखकर ही राहुल समझ गया कि अब उसे चुप हो जाना है और वो चुप हो गया। फिर भी राहुल का मन क्रिकेट में लग नहीं रहा था। उसने कॉफी खत्म की और अंततः मुझसे फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़ा मगज कुछ ज्यादा ही चुम्मा दे रहा है झाड़ी। लेते रहो, मैंने हंसी दबाते हुए कहा। कुछ करो ना बे, राहुल ने आंखों से भीख मांगी। अक्सर जब राहुल के पास उपायों की कमी हो जाती थी तो वो मेरे आगे हथियार डाल देता था। मैंने भी इसकी मजबूरी समझते हुए बटुक शर्मा का ध्यान अपनी बातों से बटाने की कोशिश की। इसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है अंकल, ये तो वक्त काट रहा है यहाँ, मैंने कहा। हाँ बाप कहीं खेत काट रहा होगा, ये वक्त काट रहा है, बटुक शर्मा ने ठसक से जवाब दिया। नहीं अंकल, बस झारखंड में सरकार बनने की देर है, इसके पापा के दोस्त समद अली मिनिस्टर हैं और इसके वारे न्यारे, मैंने सच्चाई में थोड़ा मसाला मिलाते हुए कहा। ऐसे ऐसे बहुत देखे बेटा, हमारी उम्र निकल गई, पढ़ाई का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी अंकल, वो तो है ही, मैंने दाल गलती ना देख दूसरा उपाय ढूंढा, मैंने राहुल को देखते हुए कहा। भाई दूध फट जाएगा, ऐसा कर ये ले चाबी और दूध तो उबाल ले। राहुल जैसे इसी मौके की तलाश में था, बेइज्जती बहुत हो चुकी थी, उसने चाबी ली और तेजी से छत की ओर चला गया। थोड़ी ही देर में परिधि ने बाल बांधे, कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और मम्मी मैं कपड़े डालकर आई, कहते हुए छत की ओर चली गई। वक्त बीत रहा था, बटुक शर्मा का निलंबन कुछ और बढ़ गया था, सो उनकी परेशानी भी जाहिराना तौर पर और बढ़ गई थी। अखबारों में वक्त काटते हुए उन्हें इस बात की जानकारी भी मिली कि झारखंड में सरकार बन चुकी है।
डूबता इंसान तिनके में भी सहारा खोजने लगता है। ऐसे में उन्हें राहुल के पिता के संबंधों की याद आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसी कारण एक दिन उन्होंने छत पर ये बात छेड़ दी। अच्छा बेटे, एक बात कहनी थी। हाँ अंकल, कहिए ना। मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल काटते हुए कहा। बेटे, वो मिनिस्टर समद अली तेरे गांव का ही है ना? बटुक शर्मा ने कहा। दरअसल उनके कहने का अर्थ क्षेत्र के एमपी से था। गांव के नहीं अंकल, हमारे एरिया से ही आते हैं, मैंने कहा। अरे तू उस दिन बता रहा था कि इसके पापा और जे नेता की जान पर जान है। बटुक शर्मा ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए पहली कही बात याद दिलाई। सिर्फ जान पहचान, दोनों बैक पाइपर फ्रेंड हैं, राहुल ने तैश में कहा। बस फिर तो उससे कह के मेरा सस्पेंशन वापस करवा दे बेटे, तेरी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बटुक शर्मा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे अंकल ऐसा ना कहें, राहुल जरूर अपने पापा से बात करेगा। मैंने वही कहा जो मुझे उस वक्त सूझा। भाई तू अंकल को वैसे ही कोई भरोसा मत दे दे, तू जानता नहीं समद को, बिना चालीसा पढ़वाए कोई फाइल नहीं हिलती उसके टेबल से, और ये तो वैसे भी सस्पेंशन का मामला है, राहुल ने बताऊं उड़ाते हुए कहा। तो पढ़ देंगे बेटा, हनुमान चालीसा क्या, महामृत्युंजय जाप भी करा देंगे, ऐसी क्या बात हुई, ये तो हमारा काम ही है। काम बनता देख बटुक शर्मा पुलकित हो गए। अंकल आपने उसका नाम ठीक से नहीं सुना, समद अली, वो हनुमान चालीसा सुन के क्या करेंगे। हनुमान चालीसा का मतलब है 40,000 रुपए, मैंने बात साफ की। 40,000? 40,000 रुपए भला हम लोगों के पास कहाँ से आएंगे बेटे जी, बटुक शर्मा ने खीसे निपोड़ दी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अंकल, वरना वो आदमी ऐसे नहीं मानेगा, राहुल ने पतंग पर ध्यान लगाए हुए ही कहा। हाँ जरा ध्यान से देख बेटे, कोई रास्ता निकल आवे, लोग बाग भी पूछने लगे हैं कि शर्मा के बात है, छुट्टी लंबी हो गई अब की बार, तू तो जानता है कि कॉलोनी में कितनी इज्जत है तेरे अंकल की। कहते हुए बटुक शर्मा नीचे उतर गए। उनके जाते ही राहुल ने पतंग की फिरकी मुझे देते हुए कहा, देखे ना अभी भी ससुर के अकाउंट में 13,00,000 रुपए पड़ा हुआ है, अब बूढ़ा 40,000 रुपया के लिए दांत चियार रहा है, जबकि बात नौकरी की है। तो तुमको भी क्या जरूरत पड़ी थी बड़ौती को डराने की, अंकल के कहने पर समझ तो वैसे भी कर देगा, फिर पैसे की बात करने की क्या जरूरत थी। मैंने जैसे तैसे पतंग संभालते हुए कहा। क्यों नहीं करे, ये साला एक भी पैसा रेंट का छोड़ा था, याद है ना क्या कहा था उस वक्त, ऊपर से साल भर का एडवांस चाहिए। हमको अब यकीन है ये साला पक्का किसी विजिलेंस केस में सस्पेंड हुआ है, राहुल ने तर्जनी दिखाते हुए कहा। छोड़ो ये सब और काम कराओ ससुर का, उसके गुड बुक में आने का यही मौका है। मैंने पतंग समेटना शुरू कर दिया। हम कुछ और सोच रहे हैं झाड़ी, राहुल ने कहा। हम जानते थे बिना कुछ सोचे तुम पैसे की बात कर ही नहीं सकता। अब बको, मैंने कहा। बटुक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है, सही बात, राहुल ने कहा। सही बात, मैंने हामी भरी। और पैसा वो देगा नहीं, सही बात, राहुल ने फिर कहा। सही बात, मैंने फिर हामी भरी। तो पैसे के बदले अपनी यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा दे दे, राहुल ने चमकती आंख से कहा। इतना फर्जीवाड़ा करेगा पंडित, मैंने सिर पकड़ते हुए कहा। फर्जी कहाँ से, जब वो उसी डिपार्टमेंट में है, एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक मैं उसकी दखल है, तो डिप्लोमा फर्जी कहाँ से हुआ, बैक डेट में एंट्री करके डिप्लोमा दे दे, राहुल ने पूरी बात कही। कौन सा डिप्लोमा, मैंने पूछा। हमको कौन सा पता है, तुम बोलो, राहुल ने कहा। हमको नहीं चाहिए फर्जी डिप्लोमा, तुम अपना देख लो, वैसे भी मेरा CDS का लास्ट अटेम्प्ट है, कहीं किसी फर्जी वाले में आ गए तो गई लाई। मैंने अपना पल्ला झाड़ा। डरते बहुत हो तुम झाड़ी, और हमको भी डरा देते हो साले। ठीक है, बात कर लेंगे पापा से, अब छोड़ो ये सब और शायरी सुनाओ, राहुल ने लेटते हुए कहा। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, मैंने कल ही पढ़ी हुई शायरी सुना दी। इसलिए कहते हैं तुम पगलट हो, भाग जाएगी पक्का भाग जाएगी, मतलब या तो देखोगे या फिर बात करोगे, तीसरा काम सिलेबस में है ही नहीं क्या। कहते हुए राहुल ने कान में ईयरफोन लगा लिया। मित्र का मित्र होना किस्मत की बात होती है, मगर मित्र का मंत्री होना खुशकिस्मती की बात होती है। राहुल के पिता देवव्रत मिश्रा ऐसे ही खुशकिस्मत थे। समद अली बचपन के मित्र थे और अब मंत्री भी थे। मंत्री जी के सचिव के फोन से ही बटुक शर्मा के साहब की पेशाब रुक गई, और वो तभी आई जब बटुक शर्मा बा इज्जत ऑफिस आए। बटुक शर्मा खुश हुए और उसी शाम कॉर्नर वाली
अग्रवाल स्वीट से डोडा बर्फी का पूरा डब्बा लिए हुए छत पर चढ़े। मैं छत पर रीजनिंग में सर खपा रहा था। मुझे कमरे में आने का इशारा करते हुए मेरे लाख मना करने के बावजूद वो कमरे में घुस गए। वो गलत समय पर आए थे। आज ही नई वेबसाइट नॉटी अमेरिका की खोज हुई थी और खोजकर्ता राहुल मिश्रा पहले ही वीडियो में खोए थे। लैपटॉप का चार्जर खराब होने के कारण डेस्कटॉप पर फिल्म देखी जा रही थी। डेस्कटॉप पर अमेरिका नॉटी हुआ जा रहा था और डेस्कटॉप से लगे स्पीकर पर लेक्सी डायनामाइट हॉटी हुई जा रही थी। कमरे की चिटकनी हालांकि राहुल ने बंद की थी, मगर फिर घर भी तो आखिर बटुक शर्मा का ही था। एक ही झटके से चिटकनी अपने स्क्रू से बाहर आ गई और बटुक शर्मा भीतर। राहुल मिश्रा को सांप सूंघ कर गया। मेन स्विच दूर था, वो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। घबराहट और जल्दबाजी में उन्होंने मॉनिटर का स्विच ऑफ कर दिया। राहुल मिश्रा को चैन आया कि बटुक शर्मा ने कुछ देखा नहीं। राहुल मिश्रा को अभी पूरी तरह चैन आ पाता तब तक स्पीकर से लेक्सी डायनामाइट की मत भरी सिस्कारियां आईं। राहुल मिश्रा को जब तक ख्याल आता कि बंद सिर्फ मॉनिटर हुआ है, कंप्यूटर और स्पीकर चालू है, तब तक लेक्सी डायनामाइट खेल खत्म कर चुकी थी। बटुक शर्मा कमरे से निकल चुके थे। वो मुझे डोडा बर्फी की पैकेट थमाकर धीमे कदमों से नीचे उतर गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके बताएं। अपने फीडबैक और सजेशन भी कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।